जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलमान सिद्दीकी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। DHA में फाइल्स के रेट्स के हवाले से, फाइल्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने हॉट टॉपिक की। और आज का हमारा हॉट टॉपिक है DHA फेज़ 13। सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज़ चल रही है जैसा कि DHA ने DHA फेज़ 13 की लैंड की अनाउंसमेंट कर दी है। कोर्ट के अंदर जो इनके मामला चल रहे थे लैंड से रिलेटेड, वो क्लियर हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल जो मार्केट है DHA फेज़ 13 की काफ़ी तेज़ होगी हुई है। एकदम से फाइल्स के रेट्स काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई फाइल खरीदने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कुछ होता है, जब लेने जाते हैं तो रेट एकदम से बढ़ जाता है। डेली बेसिस पे 25-50 लाख रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं DHA फेज़ 13 में रेट्स के हवाले से। इस टाइम जो करंट पोजिशन में जो फाइल अवेलेबल हो रही है 5 मरला की, वो 24,50,000 रुपये में है। और 10 मरला की बात करें 37,50,000 रुपये में। बात करें 5 मरला की जो लास्ट जो रेट था, वो 5 मरला का तकरीबन 19 लाख रुपये तक का रेट था, जहां से ये 2 से 3 दिन में जंप करके 24,50,000 रुपये तक पहुंच गई हुई है। इसी तरह ही जो फेज 13 की 10 मरला की फाइल थी, वो तकरीबन 33 लाख रुपये में कोर्ट हो रही थी, और जो आज का रेट हमें कोर्ट हुआ है वो 37,50,000 रुपये का है। इसी तरह कनाल की बात करते हैं, कनाल काफ़ी अरसा दराज से 60 लाख रुपये की ब्रैकेट में थी, जिसका रेट बढ़ के 64-65 लाख रुपये में कोर्ट हो रहा है, लेकिन फाइल अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, फाइल शॉर्ट है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रेट थोड़ा मज़ीद ऊपर ही जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं इसके। ठीक है, अभी कोई भी फाइल अगर हम लेने जाते हैं तो फाइल कंफर्म भी नहीं हो रही। तो व्यूअर्स, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन DHA फेज़ 13 के हवाले से। इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर हूँगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए रेट्स के साथ। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।